हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आलू कीमा बनाने जा रही हूँ। मेरे पास बकरे का कीमा है आधा किलो और मैंने एक पाव बीच में आलू लिए हैं। उसके अलावा ये मेरे पास 3 अदद प्याज थे, उसे मैंने बारीक काट लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, बाकी 1 चम्मच नमक हसबे जायका, 1/2 टेबल स्पून मेरे पास हल्दी है, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है और 1/2 टेबल स्पून मेरे पास दादड़ मिर्च है। और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं 6 से 7 थी, उन्हें मैंने कटिंग कर लिया, कुछ मैंने पूरी रख गई। ये देसी मिर्च है, ये बहुत तीखी होती है। उसके अलावा 2 अदद टमाटर थे मेरे पास छोटे साइज़ के, और ये मैंने खड़ा मसाला गरम मसाला लिया। 6 से 7 मेरे पास काली मिर्चें हैं, 1 फूल है और 1 इंच का टुकड़ा है दालचीनी का और थोड़ा सा ज़ीरा है। ये सब कुछ मैं कीमे में डाल दूँगी। ये मेरे पास कीमा है, ये मैंने वॉश करके कढ़ाई में निकाल दिया था। अब मैं इसमें ये सारे मसाले ऐड, ये मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया, मैंने इसमें ऐड कर दिया और मैंने अच्छे से चम्मच को चला दिया। अब मैं इसमें 1 गिलास भर के मैं पानी का डाल रही हूँ कि हमारा कीमा इसमें गल जाए और सारे मसाले अच्छे से घुल जाएं। पानी डाल के भी एक दफ़ा अच्छे से चला लेते हैं। मैं यहाँ पे बकरे का गोश्त यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप गाय का, ऊँट का, चिकन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूँगी, थोड़ा कम लग रहा है पानी, ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाला है। इसे हम ढक के पका लेते हैं। ये कीमा जो सा है वो गल गया। अभी इसमें पानी है, पानी इसका पूरी तरह से भी गोश्त नहीं हुआ, ये देखिए पानी है इसमें भी। अब मेरे पास जो 1 पाव आलू है वो मैंने कटिंग कर ली है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसे मैं दम लगा दूंगी ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए और कुछ हमारे आलू भी गल जाए। 3 से 4 मिनट हो गए, हम देखते हैं अपने आलू कीमे को। आलू भी गल गए हैं हमारे दम में, हल्की सी कसर है वो शोरबे में हो जाएगी। 4 टेबल स्पून में इसमें ऑयल डालूंगी तकरीबन। अब इसकी हम 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे। दो से तीन मिनट हो गए इसकी भुनाई को। साइडों से आप देख सकते हैं हमारे कीमे ने ना भी छोड़ दिया, अच्छे से भुन गया मसाला। अब मैं इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल दूंगी। हमें ये रसमिसा तो चाहिए, अगर आप ज़्यादा पतला पसंद करते हैं तो ज़्यादा पानी डाल दें। इसे सिर्फ मैं दम में पकाऊंगी 5 मिनट। 5 मिनट हो गए हैं, ये हमारा अच्छे से पक गया आलू कीमा। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। ये हमारा आलू कीमा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं
कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो इस रेसिपी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना आपको मेरे हाथ की रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।